जानवर या पक्षी पालना बेहतर रहेगा? देखिए बहुत सारे हैं, जैसे बुध का होता है, बुध के लिए हमारे शास्त्रों में बकरी का बतला है, और उसके अतिरिक्त खरगोश भी एक बुध का कारक माना जाता है, चंद्र के साथ जो कारक है वो भी बुध का कारक माना जाता है, तो मछलियां हैं बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां, वो भी बुध और शुक्र का कारक मानी जाती हैं, तो इनको हम पालने से बुध ग्रह को उदित कर सकते हैं। जी पंडित जी, वहीं अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह के लिए कौन सा जानवर या पक्षी पालना चाहिए? देखिए शुक्र ग्रह के लिए जो सबसे अच्छा होता है घोड़ा होता है, और उसमें मछलियां भी होती हैं, तो इस तरह हम मछली और घोड़े शुक्र के कारक माने जाते हैं, और ऐसे आगे भी हम अलग अलग पशुओं के बारे में वर्णन करेंगे, पशु विशेष के बारे में वर्णन करेंगे जो उस ग्रह के कारक द्योतक होते हैं, नौ के नौ जो ग्रह होते हैं उनके, बहुत सारे हमारे सेलेस्टिक पशु पक्षी होते हैं, तो उनका आगे वर्णन करेंगे। जी बिल्कुल, आगे भी हम जानेंगे, और इस वक्त हमारे साथ नोएडा से एक दर्शक रागिनी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बोल रही हूँ नोएडा से। जी जी पंडित जी, मुझे तोता पालने का बहुत शौक है, लेकिन मैंने एक दो बार जब भी पाला वो उड़ जाता है, तो मतलब क्या वो मुझे पालना मेरे लिए ठीक है या नहीं है? जी देखिए हमारे शास्त्रों में तोता शुक्र का कारक होता है, शुक्र भी कहते हैं इसको, तो तोता पालना निषेध है हमारे ज्योतिष और वास्तु विज्ञान में, तोते को नहीं पालना चाहिए। तोता पालने से वंश वृद्धि को रोकता है, वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है, तोता हमारे शास्त्रों में निषेध बतला है। तोते के स्थान पर आप उसके जो प्रतीक या प्रतिमा है पोर्सलिन की या धातु की बनी हुई वो भी रख सकते हैं, चित्र भी लगा सकते हैं, अग्निकोण में आप उसके चित्र लगा सकते हैं, उसके प्रतीक रख सकते हैं, अन्य प्रकार के बने हुए प्रतीक आप रख सकते हैं, तो वास्तविक स्वरूप में तोता पक्षी पालना निषेध बतलाया गया। जी बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया शुक्र के बारे में भी, अब अगर हम शनि राहु और केतु की बात करें, सबसे पहले शनि की बात कर लेते हैं, शनि अगर किसी का स्ट्रांग नहीं है या कुपित है, तो उसके लिए कौन सा जानवर पालना चाहिए और क्या कुछ सावधानियां इस दौरान बरतनी चाहिए? देखिए शनि के लिए, शनि यदि लग्न कुंडली, किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली अंतर्गत शनि कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक में हो या शनि मेष में नीच के बैठे हो, तो उसको चाहिए कि वो हमेशा जो कुत्ते हैं या पालतू या बाहर जो गली के या सड़क के जो कुत्ते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, कुत्तों को अन्न देना चाहिए, दूध देना चाहिए, तो कुत्तों की सेवा से शनि उदित होता है। दूसरे हमारे ज्योतिष विज्ञान में जो भैंसा होता है वो भी शनि यम का प्रतीक मानते हैं, शनि यमा अग्रज यम के बड़े भाई का उनका स्वरूप है, तो भैंसा यम का वाहन होता है, तो भैंसे को अन्न देने से, घास कटा हुआ चारा देने से शनि उदित होता है, जो उसके अशुभ प्रभाव है उनका शमन होने लगता है। कुत्ते की सेवा करना, भैंसे की सेवा करना, तो ये क्या होता है शनि, कौवे की सेवा करना, कौवा भी यम का प्रतीक माना जाता है, कहीं कहीं शास्त्रों में उसको वाहन भी बतलाया, शनि का वाहन भी पक्षी है वो, रथ का उनका पक्षी है, तो कौवे को अन्न देना, उसको भोजन देना, तो ये बलि देना उसको शनि के दोषों का वो शमन करता है। जी तो कुत्ते को हम पाल सकते हैं, भैंसा पालना जो ग्रामीण क्षेत्रों में उसको कृषि कार्य के लिए पाला जाता है, तो शहरी उसके अंदर ये संभव नहीं है। कौवे को पालना निषेध बतलाया, तो आप उसको स्वतंत्र रूप से उसको अन्न बलि दे सकते हैं, तो उसको बलि देने से, अन्न देने से जो पितृ पक्ष है उसमें भी उसको बलि दी जाती है, तो शनि उदित होते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से एक दर्शक अनिल जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। ऐसा है कि मैं, मुझे कुत्ते पालने का बहुत शौक है, ठीक है, और बाकी जब मैं पालता हूँ तो कुत्ता हमारा बीमार पड़ जाता है और मर जाता है, इसके लिए कोई उपाय बताएं? इसके लिए भैया आप जो तीन मिट्टी के कुत्ते बना के मंगल के क्षेत्र यानी के दक्षिण कोण में आप रख सकते हैं, काले सफेद मिट्टी के कुत्ते रख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि दोष है, शनि मेष राशि में भी हो सकता है, भूखंड में दोष होता है, ऐसे लोगों का जो दक्षिण भाग है वो बड़ा हुआ या छोटा होता है, या पश्चिम जो शनि का भाग कहलाता है वास्तु विज्ञान के अंतर्गत उसमें दोष होता है, तो उसके दोष के निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं, दक्षिण दिशा में तीन मिट्टी के कुत्ते स्थापित कर सकते हैं, उसके उपरांत यदि आप कुत्ते पालेंगे तो कुत्ता आपका मरेगा नहीं। जी चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, कुत्ते के रोने को किस तरीके से देखा जाता है? शनि आपने बताया कि कुत्ते जो है वो शनि का कारक माने जाते हैं, तो ऐसे में इसको किस तरीके से देखा जाता है अगर कुत्ता कोई रोता है तो?
देखिए जो कुत्ता होता है शनि यम और भैरव का प्रतिनिधि कारक, भैरव जो होते हैं रुद्र का अवतार माने जाते हैं, और जो यम होता है शनि यमाग्रज, शनि यम के बड़े भाई होते हैं, उनका भी कारक कुत्ता माना जाता है। कुत्ता जो अलौकिक शक्तियों का प्रतीक होता है, संज्ञक होता है, तो किसी भी स्थान पे जहाँ पे कुत्ते का वास करते हैं, यदि वहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है तो उसको पहले से पूर्वाभास उसको हो जाता है, तो उस स्थान के जो कुत्ते प्राय प्राय रोने लगते हैं तो अशुभ होता है। ऐसे ही भूखंड या निवास में अगर पालतू कुत्ता आपका रोता है तो कहीं ना कहीं विपत्ति आने वाली है, तो वो आपको सचेत करता है, आप सचेत हो जाएं, आप अपनी कुंडली का अवलोकन कर सकते हैं। कुत्ते का रोना भूखंड में वास्तु दोष भी दिखाता है कि आपका जो दक्षिण कोण है या पश्चिम कोण है उसमें कुछ गलती हो गई है, उसमें भूखंड में कुछ दोष उत्पन्न हो गए हैं, कोई ऐसी विषय वस्तु आपने आपका जो दक्षिण कोण है या पश्चिम कोण है ऐसे स्थापित कर दिया जिसमें वो शनि का जो दोष है वो वहां पे उत्पन्न हो गया है, मंगल का दोष उत्पन्न हो गया, तो उसका वो द्योतक होता है। तो कुत्ते का रोना अशुभ मत समझे, आप उसको समझे कि वो पूर्व सूचित कर रहा है विपत्तियों को, तो वो सचेत कर रहा है आपको, तो आप उसका निदान कर सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, एक दर्शक हरिद्वार से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिए मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। अंडे में जानना चाहता हूँ, मेरे घर में छिपकलियां बहुत है जी, मैं उनको भगा देता हूँ, फिर आ जाती है, दो दिन गायब रहती है, दोबारा आ जाती है, तो ये अच्छा है या बुरा है? देखिए भैया, हमारे शास्त्रों में अगर छिपकली को देखें तो ग्रह गोधी का इसको बोलते हैं, संस्कृत में इसका नाम है ग्रह गोधी का, लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, भैरवी का प्रतीक मानी जाती है, शास्त्रों में तो इसको शुभ बतलाया है, पर इसका स्वरूप ऐसा है कि लोग घृणा करते हैं, उससे डरते हैं, तो हमारे अगर शास्त्रों की बात करें तो शुभ बतलाया जाता है। बहुत सारे ऐसे जहरीले कीट पतंगे होते हैं जिनका भक्षण करती है, आपको निरोग रखती है, ऐसे मच्छर होते हैं जिनको ये खाती है, आपके परिवार या आपके लिए कोई वो स्वास्थ्य के लिए हानि नहीं पहुंचाती। जो छिपकली होती है प्राय प्राय सब विषहीन होती है, इसमें दांत भी नहीं होते और कोई विषैला पदार्थ इनके अंदर नहीं होता, अगर किसी को काट भी लें तो पहली बात तो काटती नहीं है, इसमें दांत नहीं होते, निगलती हैं किसी भी ऐसे जहरीले कीट पतंगे को, इसके काटने से कुछ नहीं होता, जो इसकी त्वचा होती है वो विषाक्त होती है, उसपे जो ग्लैंड्स होती हैं पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं, बाय चांस अगर किसी खाद्य पदार्थ में गिर जाए तब हानिकारक होती है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर उसको व्यक्तिगत रूप में लें तो अशुभ नहीं मानी जाती, लक्ष्मी और भैरवी का प्रतीक मानी जाती है, शुभ मानी गई है जी। चलिए हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दर्शक देहरादून से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मुझे पूछना था पंडित जी से कि जो मैं कुत्ता पालना देता हूँ किस कलर का पालू? कुत्ता पालना भैया देखिये, कुत्ता किसी भी प्रकार का आप पाल सकते हैं, कुत्ता पालना किस विशेष रंग का है तो वो आपकी लगन कुंडली में मालूम होगा कि शनि का स्थान कहाँ है, कौन से भाव और राशि में शनि बैठे हुए हैं, किससे युति कर रहे हैं, मंगल के साथ कर रहे हैं या राहु के, तब उसका रंग बतलाया जा सकता है। अगर आप कुत्ता पालेंगे तो कोई भी आप कुत्ता पाल सकते हैं। काला कुत्ता यम शनि का प्रतीक माना जाता है, काला सफेद जो कुत्ता है वो केतु का प्रतीक माना जाता है, तो कुत्ता पालना शुभ होता है, कोई भी आप कुत्ता पाल सकते हैं जी। चलिए हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और भी कई रोचक जानकारी हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी, निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आज ली क्या?
स्लाइस टेस्ट चैलेंज, इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाएगा। दोस्ती करो, मोहब्बत करो, रहो हमेशा पास पास। जब हम मिल जाते हैं, खो जाते हैं न जाने कितने। तेरी यादों में हम आवाजों की इन महफिलों में इश्क की खामोशी पहचाने को। देखिए अधूरी दास्तान रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इधर खड़े हम उधर कुड़ी सोनी, मिट्टल में या डबकी, एक कोई और था अमर ने देखा धंधा। मैच देखे है ना कैप्टन हो। अमर का था यही धंधा। नाटक देखने आना हीरो। एंथनी था सबसे गंदा। कॉन्सर्ट में आना लीड सिंगर हो। और तुम? मैं? अकेले कहाँ का जाएंगे आप? साथ चलते हैं। पहले मैच देखेंगे फिर नाटक, फिर कौन सा? Yeah, that's a cool idea. What? Right, चलो अपनी चाल। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। के बाद स्वागत है आपका। पंडित जी, अगर घर में कोई जानवर मर जाता है तो उसका क्या करना चाहिए, वो क्या किसी बात का संकेत भी होता है? देखिए, हमारे जो ये भूमंडल है इसको मृत्यु लोक भी कहा है, जो जीव आएगा वो जाएगा भी, जिसका जीवन उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होगा, तो इसको लोग बहुत अशुभ मानते हैं। अशुभ नहीं होता, दुख का कारण होता है। कोई आपका संबंधी या कोई ऐसा पशु या पक्षी जो आपने पाला हुआ उससे मोह जाता है, दुख होता है, आप उसको दूसरे उसमें पक्ष में मत लें, तो पर वो एक दुख का कारण होता है। आपका जो इतना प्रिय पक्षी या पशु था वो चला गया, तो उसको आप ये देखें कि उसके उपरांत आप उसका क्या कर सकते हैं, तो उसको भी उसी प्रकार एक स्थान दें, उसको भूमि में दबाना होता है, नमक डाल के आप उसको दबाएं, यथा संभव उसकी आप क्रिया को करें तो उसका शुभ होता है, तो वो अपशकुन का कारण नहीं होता। कि साहब वो पशु हत्या करना अपशकुन माना जाता है, कि वो रोग से मरा है या परेशान होकर मरा है, तो वो एक चिंता का विषय होता है। पूर्ण आयु करके अगर वो जीव जा रहा है तो उसमें कोई दुख का कारण नहीं है। उसको आप उसके जो परंपरागत उसका संस्कार है वो आप उसको कर सकते हैं। किसी भी पशु पक्षी को जलाया नहीं जाता है, उसको किसी ऐसे स्थान सुनसान स्थान पे काफी गहरा गड्ढा खोद के उसमें नमक डाल के आप उसको यथावत दबा सकते हैं, तो एक संस्कार उसका हमारे शास्त्रों में बतलाया है। बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है मेघा गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है मेघा आपका। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे ये जानना था कि जैसे क्या हमें कोई जानवर अगर पालना है, पक्षी पालना है, तो अपनी राशि के अकॉर्डिंग हमें पालना चाहिए? जैसे कि अगर मेरी सिंह राशि है तो क्या मैं कोई पर्टिकुलर कोई जानवर पाल सकती हूँ? जी जी जी, बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा है। लगन कुंडली और उसका लगन का भाव और नवमांश जो भाग्य स्थान है उसके हिसाब से, और जो उनकी राशि अगर उसके हिसाब से पशु या पक्षी का संधान करते हैं तो बहुत शुभ होता है। ऐसे में उस पशु या पक्षी को पालना उस ग्रह को उदित करता है, उनके भाग्य को वृद्धि करता है। जैसे सपोज उदाहरण लें कि जैसे किसी व्यक्ति का मेष लगन है, तो मेष का मतलब होता है मेढ़ा, उनके स्थान में बकरा या भेड़ा पालने का स्थान है, तो उसको अतिरिक्त उसका प्रतीक भी आप रख सकते हैं। उनके जो भाग्य का नवम स्थान होता है उसमें धनु राशि आती है, उसका जो कारक होता है गऊ होता है,
तो मेष लगन के व्यक्ति यदि वो गऊ पालते हैं, वृषभ पालते हैं या उनके भूखंड में उनको पालने का स्थान नहीं है तो उनका प्रतीक आप रख सकते हैं संगमरमर का बना हुआ या पोर्सलिन या किसी धातु का आपने ईशान कोण में, तो उससे क्या होता है वो कुंडली को उदित